आज पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के महायुद्ध की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अक्षय कुमार के आने वाली फिल्म राम सेतु के पोस्टर में लोगों को ऐसा क्या दिख गया कि उड़ गया मजा, और इसराइल ने चीन की जासूसी को कैसे पकड़ा, मजेदार है, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, आपने महाराजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए दोनों युद्धों के बारे में तो सुना ही होगा, पर आज हम आपको इन युद्धों की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। दोनों के बीच में पहला युद्ध 1911 में हुआ, जहां महाराजा पृथ्वीराज के भाई गोविंद राय ने गौरी को भाले के एक ही वार से चारों खाने चित्त कर दिया था। दूसरे युद्ध से पहले महाराजा पृथ्वीराज ने गहादवल एम्पायर के राजा जयचंद से गौरी के खिलाफ युद्ध में साथ मांगा, जिसके लिए जयचंद ने साफ मना कर दिया क्योंकि वे पृथ्वीराज को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अगर जयचंद ऐसा नहीं करते तो दूसरे युद्ध के परिणाम अलग होते। दूसरे युद्ध के दौरान गौरी ने किसी नियम कानून का लिहाज नहीं रखा, वहीं महाराजा पृथ्वीराज हर स्टेप नियमों को ध्यान में रखते लेते रहे थे, और यही कारण बना दूसरे युद्ध में उनकी हार का। अगर उन्होंने गौरी को उसकी जुबान में जवाब दिया होता तो दूसरे युद्ध की जीत भी उनके खेमे में ही जाती। नंबर 8, हाल ही में अक्षय कुमार को तंबाकू की एड करने को लेकर काफी ट्रोल किया गया, पर अब एक बार फिर अक्षय कुमार ट्रोल हो रहे हैं, जिसका कारण है उनकी अपकमिंग फिल्म। जल्द ही अक्षय कुमार फिल्म राम सेतु में दिखेंगे, जिसका पोस्टर हाल ही में लॉन्च हुआ। पोस्टर में अक्षय कुमार मशाल उठाए हुए हैं और मशाल की रोशनी में कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उनके बगल में खड़ी जैकलिन हाथ में टॉर्च लिए अक्षय कुमार की मशाल के डायरेक्शन में देख रही है, और इसी पोस्टर को लेकर अक्षय कुमार एक बार फिर ट्रोल हो गए हैं। पोस्टर देखने वाले लोगों का कहना है कि टॉर्च होने के बावजूद मशाल जलाने का लॉजिक उन्हें नहीं समझ में आ रहा। साउथ फिल्म इंडस्ट्री से खौफ खाए बॉलीवुड का लॉजिक उनकी फिल्मों की तरह पिट गया लगता है। नंबर 7, धरती के चारों तरफ कई एस्टेरॉइड्स घूम रहे हैं, पर कुछ एस्टेरॉइड्स अपने ऑर्बिट से बाहर निकलकर धरती की तरफ आ जाते हैं, और जब वे धरती से टकराते हैं तो धरती को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। पर हाल ही में धरती के पास कुछ ऐसे एस्टेरॉइड्स को देखा गया जो धरती के लिए खतरा बन सकते हैं, और अब इन्हें एस्टेरॉइड्स को धरती से दूर भेजने की तैयारी कर रहा है चाइना। चाइना 2025 तक स्पेस में एक रॉकेट भेजेगा जो ऐसे एस्टेरॉइड्स को टारगेट करेगा जो फ्यूचर में धरती के लिए खतरा बन सकते हैं, और उन एस्टेरॉइड्स को धरती से दूर ले जाएगा। चाइना की स्पेस एजेंसी अपने इस प्रोजेक्ट पर काफी जोर शोर से काम कर रही है। आपको बता दें कि नासा ने भी ऐसा एक रॉकेट पिछले साल नवंबर में लॉन्च किया। नंबर 6, आप चाहे अंडे खाते हो या नहीं, पर मुर्गी के उबले हुए अंडे कैसे दिखते हैं ये आप सभी जानते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि पेंगुइन के उबले हुए अंडे कैसे दिखाई देते हैं? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। पेंगुइन के अंडे उबालने के बाद कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं, जहां मुर्गी के अंडे उबालने के बाद बाहर से पूरे सफेद हो जाते हैं, वहीं पेंगुइन के अंडे कुछ इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। बाकी योक वाला हिस्सा दोनों के अंडों में एक ऐसा होता है। क्या आप आज से पहले इस फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 5, भारत के संविधान के बारे में आप सभी ने कई चीजें सुनी और पढ़ी होंगी, पर आज हम आपको भारत के संविधान से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट बताएंगे जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। भारत के संविधान के जहां मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा गया है, उस पेज पर सबसे ऊपर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता का रथ में बैठे हुए एक स्केच बनाया गया है, जिसमें वे रावण को हराकर अयोध्या वापसी कर रहे हैं। नंबर 4, आपने आज तक कई बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉल्स देखे होंगे, पर क्या कभी आपने कोई ऐसा कॉन्सर्ट हॉल देखा है जो गुब्बारे के अंदर मौजूद हो? हम बात कर रहे हैं आर्क नोवा की। जापान में बने इस कॉन्सर्ट हॉल को बनाया है भारतीय स्कल्पचर अनीश कपूर ने और जापानीज आर्किटेक्ट अराता इसोजाकी ने, जिसमें उनकी मदद की है लूसर्न फेस्टिवल ने। ये दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लेटेबल कॉन्सर्ट हॉल है, यानी ऐसा हॉल जिसे हवा भर के शेप दिया जाता है, जो पिछले साल अक्टूबर 14 से पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। पर्पल कलर के इस हॉल को प्रॉपर शेप देने के लिए इसमें लगभग 2 घंटे तक हवा भरनी पड़ती है, जहां 500 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, जिसे कॉन्सर्ट के बाद डिसमेंटल भी किया जा सकता है। नंबर 3, किंडर जॉय चॉकलेट बच्चों को काफी पसंद आती है, पर फिलहाल WHO में इस चॉकलेट के बारे में कुछ ऐसा कहा गया है जिसे सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। हाल ही में WHO ने बताया कि यूरोपियन ब्रांड किंडर की चॉकलेट्स की वजह से लोगों में सेल्मोनेला नाम का बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल रहा है। वैसे तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जानलेवा नहीं है, पर 5 साल से कम के बच्चे और कमजोर इम्यून सिस्टम के लोगों पर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन काफी बुरा असर डाल रहा है। WHO के इस स्टेटमेंट के बाद दुनिया भर के कई देशों ने इस चॉकलेट की सेल पर टेम्पररी बैन लगा दिया है, और चॉकलेट के कई सैंपल्स को फर्दर स्टडी के लिए भेज दिया है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड।
नंबर टू, कई बार हम ऐसी टीवी सीरीज देखने बैठ जाते हैं जो हमारा काफी टाइम वेस्ट कर देती है, पर आज हम आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप किसी भी टीवी सीरीज को देखने से पहले ये पता कर पाएंगे कि उसे पूरा देखने में आपको कितना टाइम लगेगा। हम जिस वेबसाइट की बात कर रहे हैं उसका नाम है t.me। इस वेबसाइट पे जाके आप जैसे ही किसी फिल्म या टीवी सीरीज का नाम डालेंगे तो ये वेबसाइट आपको बता देगी कि उसे देखने में आपको कितना टाइम खर्च करना पड़ेगा, यानी अब आप किसी भी सीरीज में कूदने से पहले उसकी गहराई नाप पाएंगे, है ना मजेदार। नंबर वन, हाल ही में दुनिया भर के जूस ने अपना एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जिसका नाम है पेशोवर, और इसी फेस्टिवल के दौरान इसराइल में कुछ ऐसा हुआ कि चाइना कटघरे में आ गया। क्या है पूरा मामला, चलिए आज आपको बताते हैं। चाइनीज एम्बेसी ने पेशोवर के मौके पर इसराइल के जूस ऑफिशियल्स को थर्मल मग गिफ्ट किए, और इन्हीं में से एक मग में एक ऐसा डिवाइस मिला जिसे जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसी चीज को लेकर इसराइल में बवाल मच गया और लोग चाइना पर इसराइल के जूस ऑफिशियल्स की जासूसी का आरोप लगाने लगे। पर जांच के बाद पता चला कि मग्स में किसी तरीके का कोई जासूसी डिवाइस नहीं था। इसके बाद चाइनीज एम्बेसी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू की जिसमें उन्होंने बताया कि जिस डिवाइस को इसराइल के लोग जासूसी करने का डिवाइस बता रहे हैं वो एक गैटर है जो मार्केट में मौजूद हर थर्मल मग में पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंजन टीवी को अभी फॉलो करें। धन्यवाद।